हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। जल्दी गुजारे का एपिसोड 15 का पार्ट 3 आइए देखते हैं। आई हैव नो आइडिया कि मैं मिस करूंगी उसे शादी के बाद। मुझे अंदाज नहीं था ना कि इतनी आदत हो जाएगी उसकी प्रेजेंस की। मैं इतना मिस करूंगी तो कभी उसे ना छोड़ती, कभी रहता ना। इसलिए तुमने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं। डिवोर्स कोई मजाक का नहीं होता है। यू एंड फरहान हैड सच गुड कंपैटिबिलिटी, लोगी गहरी दोस्ती। मुझे पता था इन सब चीज़ों के बाद जल्दी हो या देर हो तुम्हें कभी ना कभी उसकी कमी का एहसास जरूर होगा। मैंने माँ के शादी के रिश्ते को बहुत लाइटली ले लिया, नहीं लेना चाहिए। Now what's done is done. Forget about it. You're alive and well. He's moved on. You should move on as well. That's what I don't understand. समझ नहीं आता कि वो इतनी आसानी से मूव ऑन कैसे कर सकता है। Does it miss me at all? जो वेवलेंथ मेरे साथ थी वो किसी और के साथ कैसे हो सकती है? Does it miss me at all? जो कंपैटिबिलिटी, जो अंडरस्टैंडिंग और आदत के साथ कैसे हो सकती है? I just don't understand. तो तब होती है ना जब बातचीत हो रही हो। There was no communication between us. कौन सी compatibility और कौन सी understanding? मैंने अपने ब्रेकअप के बाद कुछ और सीखा या ना सीखा, एक चीज जरूर सीख ली कि मैं फैमिली में मैरिड है और मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनकी तबीयत कभी कभी वैसी नहीं करूंगी जैसे मेरी और तुम्हारी। ये तो बहुत पहले समझ गया। मैं को इतनी तरह एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी नहीं बनाऊंगी क्योंकि इनमें वही सफर करें। हेलो। हाय, क्या हो रहा है? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बोर नहीं जाते इस डेली की रूटीन से? मैं तो 4 दिन में बोर हो गई हूँ यार। तुम क्या करती हो? देख लेता हूँ। नहीं नहीं, तो खो लेता हूँ, होता नहीं है तो बाहर चल जाता हूँ। और है क्या करने जितना बाद में जाना बिल्कुल छोड़ दिया। यार छोड़ दिया यार, टाइम और मोटिवेशन की कमी की वजह से। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। यही बात मैं तुमसे कहना चाहता था। नो थैंक्स, एक एक्सपीरियंस कर लिया मैंने शादी का। चिराग मारने का कोई रहा नहीं। यू फॉरगेट, एक बुरी मम्मी का एक्सपीरियंस मेरे सीवी पे भी है। तारू मम्मी और शादी में बहुत फर्क है। जानता हूँ,
तेरा भाव तुझे छोटा नजर नहीं आया? कहीं इंटरेस्टेड हो? तो औरत सुनकर समझ नहीं आती, शायद मैं हूँ शायद मैं नहीं हूँ, शायद होने की कोशिश कर रहा हूँ या शायद मैं बिल्कुल ही गलत ब्लेम है, तो कई ज्यादा सिचुएशन मेरे जाए हैं। किस लड़की में इंटरेस्टेड होने की कोशिश कर रहा? काशा। क्लास फाइव। नाम? काशा। काशा? ये तो वही लड़की नहीं, इसका तो मजाक उड़ाते थे हमेशा। तुम अभी तक याद है? Obviously, क्यों नहीं याद होगा, पहली दफा किसी लड़की की बुराई करते हुए सुना है तुम्हें, और इतनी बुराई, और तुम तो कभी किसी लड़की की बुराई नहीं करते। तुम उससे शादी करना चाहते हो? मैं करना क्या चाहता हूँ फिलहाल, इसे छोड़ो, जो हो रहा है उसके बारे में सुनो। बताओ। हेलो जी, फरमाइए। मुझे तो एक्चुअली समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। क्यों, आपने फोन किया है? कुछ फोन किया होगा ना आपने? वैसे तो जब मैं कॉल करता हूँ मेरी कॉल रिसीव ही नहीं करती, मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल करके चेक कर लूँ कि आप अपना नंबर तो नहीं चेंज करिए। पहले तो चेंज नहीं किया था लेकिन शायद अब करूँगी मैं। अब आपको पता चल गया कि ये फोन ऑन है, फोन करने की जहमत ना कीजिएगा। अच्छा, आई नो यू आर एंग्री, और मैंने दरअसल में आपसे एक्सक्यूज करने के लिए फोन किया। किस चीज के लिए? उस दिन जो मैंने कहा शायद आपको बुरा लगा, एंड आई जस्ट वांट यू टू नो आई वाज ओनली जोकिंग, मजाक वाली बात थी और मैं एक अच्छे मूड में था। हालांकि नहीं करना चाहिए था, हम दोनों के बीच में ऐसा हंसी मजाक का रिलेशनशिप है ही नहीं। हाँ लेकिन 2 साल इकट्ठे में यूनिवर्सिटी में तो गुजारे हैं। वो भी पता है। और वो 2 साल हमने कैसे गुजारे, याद है आपको या मैं याद दिलाऊं? आई थिंक वी वर जस्ट इमैच्योर। नहीं, मैंने पहले भी आपसे अपोलोजाइज किया, मैंने आपसे कहा भी था कि मुझसे गलती हुई थी, इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आई थॉट वी पुट इट बिहाइंड अस। तो फिर इस बात को मुझसे दोहराने का क्या फायदा? आपको शायद ना हो लेकिन मुझे है। ये तुम इस तरह की तमीजे बांध रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, घुमा फिरा के साफ साफ बात क्यों नहीं बताते? उसी तरह तो आ रहा हूं, तो आओ ना। क्या बोलेगा शायद? मैं कशम को प्रपोज करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते? कशम से शादी करना चाहता हूँ। कर सकते? अगर खुद कर सकता होता तो करना चुका होता। मैं ऐसा नहीं हूँ, आपकी हर बात मानती है, कुछ कन्फाइंड से नहीं, आपकी हर बात समझती है, घर आती जाती रहती है, आप उसको समझा सकते हैं। तुम जाते हो तो वो मेरे घर आ रहे हैं, छोड़ देते क्यों जाऊँगा? तुमने मुझे हैरान करके रख दिया है। एक बैठे बैठा तुम्हारे जहन में ये ख्याल कैसे? क्यों, उसका ख्याल मेरे जहन में नहीं आ सकता? तुमने कभी भी कश्यप के बारे में कोई अच्छी बात नहीं कही? वो तो आपने उसके मुंह से नहीं सुनी है। हाँ तो उसके मुंह से मुझे कोई हैरानगी नहीं है,
क्योंकि तुम उसे प्रपोज कर रहे हो, वो तुम्हें प्रपोज नहीं कर रही। पहले तो तुम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, अब बैठे बैठे तुम्हें उससे शादी का ख्याल आ गया। मुझे बिल्कुल ठीक कहता है तुम्हारे कहीं ना कहीं सर थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा और आपकी उम्र तक तो पांच से पांच से विपरीत संक्रमण मेरी शादी की बात कर रहे हैं कि जो कि तुम कर रहे हो और मैंने अभी सुनी। अरे मैं सीरियस हूँ यार, मेरी तो कैसे होगी। तुम और कश्यप यानी तुम दोनों को एक साथ सोचते हुए मुझे जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बैठे बैठे तुम्हारे ध्यान में कश्यप का ख्याल कैसे आ गया। पता नहीं जो वट इज वियर, पिछले चंद महीनों में जब भी मैं शादी के बारे में सोचता हूँ कश्यप का ही ख्याल आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, वो सारा बयान है जो मैं एक लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढता हूँ। तुम क्या समझते हो वो एक जूते पॉलिश करने वाली फरमाबरदार तुम्हारे इशारों पर चलने वाली बीवी साबित होगी, यानी कश्यप मुर्तजा और एक फरमाबरदार बीवी? क्या तुम ये सोचते अंकल आपसे किसने कहा है मेरे लाइफ पार्टनर का मैं आ गया? आपको लगता है कि मैं कश्यप से वो अंधी फरमा बरदारी की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ इसलिए इसको चूज कर रहा हूँ उसके कैरेक्टर की वजह से? आई लाइक कश्यप स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर जो मैंने बहुत कम बाकी लड़कियों में देखा है। I really admire that daughter. I have a great deal of respect for her values. उसकी values तो शायद वो होंगी जो तुम अपनी ideal औरत में देखते हो, लेकिन तुम्हारी values नहीं। अगर मैं मानता हूँ कि I've been very careless in the past, पर फर्क बदलता है और लोग भी वक्त के साथ बदल जाते हैं। I've changed as well. I'm much more mature now. क्या कहूँ पर? क्या कहती? जो स्टेटस का फर्क है वो तो जानते हो ना तुम हमेशा से, और कितना फर्क है ये भी पता है। अंकल मुझे इस फर्क की पैमाइश करने में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। I just know that I want to marry that girl, that's it. और अगला जो ने इनसे बात की वो कोई माता है उसने जो उनसे बात करना मुश्किल होगी, लेकिन कश्यप माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट लेकिन ये बहुत सही तरीके से जा रहा सर के थ्रू एकदम की ये एक्चुअली ये सर के लिए काफी रिस्पेक्ट है। क्योंकि बहुत बहुत टाइम था ना कि जैसे वो खुद बोलते थे एक बाप की जिम्मेदारी वो सर ने पूरी की थी। बाप की तरह रहता है बेटा करके बुलाता है तो वो मेबी शायद वो कन्विंस कर पाए। बट उसको वो उन्होंने भी सही बोला ना कि तेरे लिए वो आइडियल होगी बट उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, वो प्यार कैसे लाएगा मतलब वो है। और ऊपर से भी उसकी बहन को अब समझा जो जारून को बहुत पहले समझ गया था। Absolutely, उसकी बहन को भी समझ गया लास्ट। चलो अब देखेंगे आगे क्या होगा। तब तक के लिए बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।